हेलो चिल्ड्रन, आज मैं क्लास एट नई दीपमणिका से अस्माकम विद्यालय पाठ एक की एक्सरसाइज कराने जा रही हूँ। तो आइए देखते हैं इसकी एक्सरसाइज। आपने चैप्टर पढ़ा ही है और हम इसको ज़रा अच्छे से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज पूर्ण वाक्येन उत्तरत्, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। उदाहरण है तव विद्यालय कति अध्यापकः सन्ति, तुम्हारे विद्यालय में कितने अध्यापक हैं। हालांकि इसका एग्जाम्पल भी गिवन है, मम विद्यालय द्विशतकम् अध्यापकः सन्ति, मेरे विद्यालय में 200 अध्यापक हैं। आप अगर ध्यान दें तो यहाँ पे जो हाईलाइटेड है तव, तव का आपने मीनिंग देना है, इसका आंसर देना है। जैसे आपसे पूछा जाता है हाउ आर यू, तो आप बोलते हो आई एम फाइन। तो यहाँ पे क्या है, तव, तव का आंसर क्या दोगे, मम, और कति का आंसर दोगे कि कितने अध्यापक हैं, तो आपने द्विशतम लिखना है। ये भी ज़रूरी नहीं कि आपने द्विशतम लिखना है, जितने आपकी क्लास आपके स्कूल में अध्यापक व अध्यापिकाएँ हैं आप उतने लिख सकते हो, यहाँ पर संख्या का कोई रोल नहीं है। तव विद्यालय से नाम किम अस्ति, तुम्हारे विद्यालय का नाम क्या है। तो क्या लिखोगे, मम विद्यालय से नाम कैम्ब्रिज विद्यालय अस्ति। यदि आपके जो भी आपके विद्यालय का नाम हो कृपया आप वो लिखें, मैंने तो यहाँ पे कोई भी नाम लिख दिया। तव विद्यालय कति छात्राः सन्ति, इसमें भी आप कितने भी छात्र लिख सकते हो, जितने आपके स्कूल में। तव का मीनिंग किसमें दोगे, मम, मम विद्यालय द्विसहस्रम छात्राः सन्ति, मम विद्यालय द्विसहस्रम छात्राः सन्ति। आप चतुस्सहस्रम भी लिख सकते हो, चतुस्सहस्रम, पंचसहस्रम भी लिख सकते हो। युष्माकं विद्यालये संस्कृतस्य कति अध्यापकाः सन्ति, सेम, आपके विद्यालय में संस्कृत के कितने अध्यापक हैं। ये संति पे विसर्ग दे रखा है, जबकि विसर्ग नहीं आएगा क्रियाओं पे, इस पे विसर्ग नहीं आता, ये गलत है। तो युष्माकम का आंसर हम किसमें देंगे, अस्माकम, अस्माकम विद्यालय संस्कृतस्य सप्तति अध्यापकः सन्ति, हमारे विद्यालय में संस्कृत के, यहाँ पे मैंने अध्यापकः दे दिया, सॉरी, हाँ सही है, सप्तति अध्यापकः सन्ति। आप ये भी दे सकते हो, यहाँ पे संस्कृत के अध्यापक पूछे हैं तो यहाँ पे सप्तति कट करके आप लिखो कि आपके अध्यापक में 70 तो नहीं हो सकते संस्कृत के अध्यापक, तो आप क्या लिख सकते हो, द्वे, त्रे, जितने भी हैं, तो यहाँ पे लिखो द्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज त्वम विद्यालय किम किम करोषि, तुम विद्यालय में क्या क्या करते हो, क्या क्या करते हो। त्वम का आंसर किस में दोगे, अहम में। अब अहम में दोगे तो करोषि का भी क्या हो जाएगा, करोमी हो जाएगा। तो अहम विद्यालय पठामी, लिखामी, क्रीडामी च करोमी। किम त्वम तरणम जानसि, क्या तुम तैरना जानते हो। अगर तो आप जानते हो तो आप आंसर दो आम, अहम, तरणम जानामी। और अगर आप नहीं जानते तो आम की जगह आप न भी लिख सकते हो, इसको भी कोई रॉन्ग नहीं करेगा। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अकॉर्डिंग टू आपके होते हैं कि आपको उसमें क्या आता है और क्या नहीं आता। निम्नलिखित शब्दानाम विपरीतार्थान मंजुषायाः चित्वा लिखत, निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द मंजूषा में से चुनकर लिखिए। यहाँ पे देखो दिए रखे हैं, लघु छोटा, दूरे दूर, तदा तब, शनै धीरे, निर्गत्य निकलकर, असुंदर है असुंदर, जो सुंदर नहीं होता, अप्रसन्न है ना खुश, यानी कि जो खुश नहीं है, सूर्योदय सूर्य उदय हो गया, शीघ्रम सूर्योदय सूर्य का निकलना, शीघ्रम जल्दी, तो जल्दी का हम क्या लिखेंगे, अपोजिट लिखना है शनै धीरे, विशाल है लघु, विशाल है मीन्स बड़ा और लघु मीन्स छोटा, सुंदर है असुंदर है, सूर्यास्त है सूर्योदय, समीपे दूरे, आगत्य
निर्गत्य, आगत्य मीन्स आकर और निर्गत्य निकलकर, समीपे पास में, दूरे दूर, प्रसन्न है अप्रसन्न है, अधुना तदा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाक्यानि शुद्धानि कुरु, वाक्यों को शुद्ध कीजिए। इसमें बहुत सारे बच्चे बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं, तो अब जरा ध्यान से सुनिए। फर्स्ट एग्जांपल इज गिवन, यूयम पठितम विद्यालयम गच्छन्ति। अब यूयम जो है ये मध्यम पुरुष बहुवचन है और ये हमारे पास दे रखा है प्रथम पुरुष बहुवचन, तो हम यहाँ पे क्या क्रिया चेंज करेंगे, मध्यम पुरुष बहुवचन, तो क्या हो जाएगी, गच्छ से, गम धातु से गच्छत, तो ये हो जाएगा यूयम पठितुम विद्यालयम गच्छत। फर्स्ट क्वेश्चन इज राजीव है संजय च विद्यालय क्रीडंती धावंती च। अब यहाँ पे ये बहुवचन में क्रियाएं दी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे ये दो लोग हैं, तो दो लोग का मतलब द्विवचन, राजीव और संजय विद्यालय में खेलते हैं, तो हम यहाँ पे क्रीडंती और धावंती की जगह क्या कर देंगे, क्रीडता है धावता है च। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अस्माकं विद्यालय विशाल है सुंदर है च असि। हमारा विद्यालय बहुत बड़ा और सुंदर है। अब है ये असी जो है ये मध्यम पुरुष एक वचन है और यहाँ पर क्या है हमारा विद्यालय, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अस्ति। आगे देखते हैं, त्वम गृहम गत्वा जलम पिबती। तो ये पिबती को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे हम, त्वम के अकॉर्डिंग, तो त्वम के साथ क्या आता है सी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पिबसी। भवान अद्य किम करोशी, करोशी भवान जो है ये प्रथम पुरुष सॉरी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, आप अब क्या कर रहे हो, तो यहाँ पे भवान प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, तो क्रिया भी क्या आएगी प्रथमा पुरुष एक वचन, तो यहाँ पे आ जाएगा करोती। नेक्स्ट इज आवाम उद्याने एव तिष्ठत है, हम दोनों बाग में ही ठहरते हैं। अब ये जो आवाम है ये मध्यम उत्तम पुरुष द्विवचन है और ये है हमारे पास मध्यम पुरुष द्विवचन, तो हमने इसको चेंज करके क्या लिखेंगे तिष्ठाव है। सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भाषा अवबोधनम, क्रियायाः उचित रूपेण रिक्त स्थानानि पूर्यत, उचित क्रियापदों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज अध्यापकः छात्रान ब्रैकेट में गिवन है पाठ जमैया, ये अणिच प्रत्यय से प्रेरणार्थक धातु है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अध्यापकः छात्रान पाठ्यन्ति। अश्व है क्षेत्रे तीव्रम डैश धाव दिया हुआ है, तो आप क्या लिखोगे धावती। सूर्य सायकाले अस्तम गम से गच्छति, क्योंकि सूर्य एक वचन में है, सूर्य शाम के समय अस्त हो जाता है, अस्त हो जाने के लिए हम क्या लिखेंगे गच्छति। नद्य है पर्वतात, अब यहाँ पे ये जो नद्य है ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, तो यहाँ पे हम प्रथमा विभक्ति बहुवचन प्रथमा पुरुष बहुवचन का लिखेंगे, उत्त जमा भू धातु से उद्भवंती। सेविका वस्त्राणि शाल धातु से शाल्यति, सेविका नौकरानी वस्त्र धोती है। खगौ वृक्षे स्था धातु परिवर्तनशील है, तो ये तिष्ठ में परिवर्तित हो जाती है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे तिष्ठत है, दो पक्षी पेड़ पर बैठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निर्देशानुसारम वचनम परिवर्त्य वाक्यानि पुनः लिखत, नीचे दिए गए वाक्यों के निर्देशानुसार वचन परिवर्तन करके लिखिए। फर्स्ट आ गया एग्जाम्पल, त्वम भोजनम खादित्वा क्रीडसी, तुम भोजन खाकर खेलते हो। अब इसको द्विवचन में कैसे चेंज करेंगे, तो हमका द्विवचन क्या हो जाएगा युवाम और युवाम के साथ क्या आ जाएगा क्रीडत है, तो हम इस चीज को चेंज नहीं करेंगे, ये कभी कभी किसी सेंटेंस में चेंज हो जाता है बट इट डिपेंड्स ऑन सेंटेंस ओनली, लेकिन यहाँ पे जो अब हाईलाइट किया हुआ है हम उसी को ही चेंज करेंगे, तो हमका क्या हो जाएगा युवाम भोजनम खादित्वा क्रीडत है। नेक्स्ट आया अहम त्वाम विद्यालयम नयामी, तो इसका अहम का क्या हो जाएगा वयम और त्वाम विद्यालयम नयाम है, आइए देख लेते हैं वयम त्वाम विद्यालयम नयाम है। नेक्स्ट आया तत्र एकम उद्यानम अस्ति, अब इसको द्विवचन में चेंज करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक का शब्द रूप हमारा एक वचन में ही चलता है, अब हमें द्विवचन में जाने के लिए इसको दो का शब्द रूप चलाना पड़ेगा, तो एकम का क्या हो जाएगा द्वे,
क्योंकि ये नपुंसकलिंग है इसलिए द्वे हो जाएगा। उद्यानम भी हमारा नपुंसकलिंग शब्द है, इसका रूप चलता है उद्यानम, उद्याने, उद्यानानी। उद्याने मीन्स दो बाग, वहाँ एक बाग है तो हम क्या लिखेंगे, वहाँ दो बाग है। द्विवचन में कैसे चेंज करेंगे, द्वे उद्याने स्तः, अब अस्ति एक है और स्तः द्विवचन में आ जाइए तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, तत्र द्वे उद्याने स्तः, वहाँ दो बाग हैं। नेक्स्ट आया सुंदराणी, एक थोड़ा सा विजिबल नहीं हो रहा है, यस, सुंदराणी पुष्पाणी अपि विकसन्ति। अब इसको एक वचन में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, सुंदरम पुष्पम अपि विकसति। ये देखिए सुंदरम पुष्पम अपि विकसति। नेक्स्ट आया वयम विद्यालय पठामे क्रीडामे च, तो यहाँ पे क्या आ गया, वयम का द्विवचन क्या करेंगे, आवाम विद्यालय पठावे क्रीडावे च। मम मित्रम तरणताले तरती, इसको बहुवचन में चेंज करेंगे तो मित्रम का क्या हो जाएगा मित्राणी और तरती का क्या हो जाएगा तरंती, बाकी का हमारा सेम रहेगा तो ये हो जाएगा मम मित्राणी तरणताले तरंती। ये तरणताले एक ही मात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज संधि में संधि छेदम वाकुरु, संधि या संधि विच्छेद कीजिए। अगर आपको संधि क्लियर नहीं है तो मैंने पार्ट वन जो है संधि का उसमें सारी ये संधि समझाई हुई है, आप जाकर इसे एक बार फिर से सुन सकते हैं अगर आपको कोई रूल में परेशानी आ रही हो। तो आइए देखते हैं इसका संधि बनाते हैं। विद्या जमालय विद्यालय यानी कि आ जमा आ विद्यालय। वार्षिक जमा उत्सव है वार्षिकोत्सव है, ए में ऊ मिल जाएगा तो क्या बनेगा ओ, तो ये हमारा बना वार्षिकोत्सव है। सूर्योदय सूर्य जमा उदय, अब यहाँ पे संधि विच्छेद करना है तो यहाँ पे हो जाएगा सूर्य जमा उदय यानी कि ए और ऊ मिलकर क्या बने ओ, तो ये हो गया सूर्योदय। आयताकार है आयत, आयत जमा आकार है तो हम यहाँ पे लिखेंगे आयत जमा आकार है। अब यहाँ पे कुछ विच्छेद दिए गए हैं और हमें संधि बनानी है। ग्रीष्म जमा अवकाश है तो क्या बनेगा ग्रीष्मावकाश है, ए अगर ए के बाद ए आएगा तो किसमें परिवर्तित करना है आ में। नेक्स्ट आया सूर्य जमा अस्त है, वही ए जमा ए मिलकर क्या बना आ सूर्यास्त है। देवालय देव जमा आलय देवालय। लघु उत्सव है, अब ये बड़ा हुआ है और हमें बड़ा हुआ कब बनाते हैं जब छोटा हुआ और छोटा हुआ जाए, तो हम कैसे करेंगे विच्छेद लघु जमा उत्सव है लघु उत्सव है, तो ये आ गया यहाँ पे छोटा हुआ और छोटा हुआ बड़ा हुआ। तो ये सारी दीर्घ संधि थी हमारी। नेक्स्ट आया शब्दार्थ मेलनम कुरु, शब्दों को अर्थों से मिलाइए। फर्स्ट है पादाभ्याम, आपको क्या करना है पादाभ्याम का मीनिंग क्या होता है दो पैरों से, तो हमने यहाँ पे लिख दिया क। तरण ताल यानी कि तैरने का तालाब, अगर आपने वर्ड मीनिंग लर्न किए हुए होंगे तो आप बड़ी जल्दी कर लेंगे, तो ये हो गया तैरने का तालाब। चतुस्सहस्त्रम चार हजार, अब देखिए इसमें चार हजार कहाँ पे ये रहा तो ये आपने लिख दिया ग का आंसर चार हजार। अगत्य आकर तो ये हो गया घ का आंसर आकर। कति कितने तो ये आ गया लास्ट वाला य कितने। तो आई थिंक आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास और बचा है आइए उसे भी देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज संस्कृतेन अनुवादम कुरु, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। हम विद्यालय में मित्रों के साथ खेलते हैं, हम की क्या हो जाएगी वयम, विद्यालय में यानी कि सप्तमी विभक्ति, देखो फटाफट देखा करो ये चिन्हों से पता चलता है यहाँ पे कौन सी विभक्ति लगनी है, तो विद्यालय में विद्यालय, मित्रों के साथ, मैंने उपपद विभक्तियाँ पढ़ाई थी आपको भेजी भी थी लिंक वगैरह भेजा था, और अगर आपने नहीं पढ़ा हो कारक विभक्ति तो यहाँ इसके लिए करण कारक में जा सकते हैं पढ़ सकते हैं। मित्रों के साथ यानी कि मित्रई सह, क्योंकि बहुत सारे मित्र आ रहे हैं तो बहुत सारे मित्रों के लिए तृतीय बहुवचन मित्रई सह क्रीडन्ति। हमारा बगीचा बड़ा सुंदर है, हमारा की क्या हो जाएगी अस्माकम उद्यानम अति सुंदरम अस्ति। यहाँ पे हमें एक बात का ध्यान रखना है क्योंकि ये बगीचा जो है ये क्या है नपुंसकलिंग हो गया उद्यानम, अति सुंदरम, अभी सुंदर भी अगर हम ये इसको हम नपुंसकलिंग में लिख रहे हैं तो हमने बड़ा ध्यान देना है इन चीज़ों का, तो ये भी हमारा नपुंसकलिंग बनेगा।
उद्यानम अति सुंदरम अस्ति। बगीचे में अनेक पेड़ और पौधे हैं। बगीचे में, अब कौन सी विभक्ति आ गई यहाँ पे बगीचे में? सप्तमी। तो क्या हो गया? उद्याने पेड़ अनेके वृक्षः पादपः सन्ति। अनेके वृक्षः पादपः च सन्ति। और के लिए हम क्या करेंगे? पेड़ और पौधे। जब हमें ये और लिखना होता है तो हम इन दोनों के बाद में लिखते हैं, लेकिन हिंदी करते समय इसको बीच में लिखते हैं। लास्ट आया कणिका और मणिका उत्सव में नाचती हैं। तो हम क्या लिखेंगे संस्कृत में? कणिका मणिका च उत्सवे, अब यहाँ पे फिर वही सप्तमी विभक्ति का प्रयोग, उत्सवे नित्यतः, क्योंकि ये दो हैं इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? नित्यतः। आइए एक बार हम देख लेते हैं कि आपका ये आंसर आपका सही है या नहीं है। देख लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। आप मेरे साथ बने रहिए, नेक्स्ट चैप्टर लेकर मैं बहुत जल्दी आऊँगी और इसकी एक्सरसाइज, नेक्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज भी लाऊंगी। अगर आपको कोई डाउट आ गया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।